दोस्तों, आप सब कैसे हो? आज क्लास नाइन्थ का मैथ का चैप्टर नंबर 6 सपोर्ट मटेरियल, जिसका नाम है जो लाइन एंड एंगल, इसके क्वेश्चन नंबर 27 को डिस्कस करेंगे, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 27 बच्चों गिवन है, लिखा हुआ इन ए गिवन फिगर। बच्चों यहाँ पे फिगर क्या है, इस क्वेश्चन का गिवन है और लिखा हुआ पी ओ क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन। पी ओ क्यू क्या बच्चों? स्ट्रेट लाइन है जो कि यहाँ पे गिवन है। ओ एम एंड ओ एन आर टू रेज। ओ एम बच्चों पहला ई रे है, दूसरा क्या है? ओ एन रे है। एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म बाय कंजुगेटिव नंबर। कंजुगेटिव नंबर का मतलब लगातार नंबर होता है, तो बताना उसमें क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्ट, एक्स का क्या रिजल्ट क्या करना है बताना है। तो आपको ध्यान से रखना, पार्टिकुलर पॉइंट पे बच्चों जब भी डी बनता है तो हम लोग एक स्ट्रेट लाइन में लीनियर पेयर वाला कंसेप्ट क्या करते हैं, यूज करते हैं। एक पार्टिकुलर पॉइंट पे बच्चों जितने एंगल बनेंगे सभी एंगल का जो जोड़ होगा, लेकिन ध्यान रखना है सीधी लाइन होना चाहिए। सीधी लाइन का मतलब स्ट्रेट लाइन होगा, तब सभी एंगल को एडिशन जो होगा बच्चों 180 के बराबर होगा। रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर, तो उसी कंसेप्ट को बच्चों यहाँ पे यूज करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, एक्स का रिजल्ट फाइंड करेंगे। तो पहला एंगल क्या है बच्चों? एक्स है, और जो दूसरा एंगल है बच्चों एक्स प्लस वन है, और जो तीसरा एंगल बच्चों एक्स प्लस टू इक्वल में 180, और इसको बोलेंगे लीनियर पेयर, और इंग्लिश में हिंदी बोलते बच्चों रैखिक युग्म। एक्स कितना बार है? एक दो तीन। एक्स कितना बार बच्चों? तीन बार, तो लिखेंगे 3x। और नंबर कितना बार? दो बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, तो नंबर कितना भी हो जाएगा बच्चों? नंबर भी तीन बार हो जाएगा, दो बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, और इक्वल में कितना है 180, और प्लस 3 है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस का 3 हो जाता है, लिखेंगे 3x इक्वल में 180 माइनस का 3। तो 3x इक्वल में हो जाएगा, जब माइनस करेंगे 180 में से 3 को माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा 177, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो बच्चों उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाता है। x का जो रिजल्ट होगा 177 डिवाइडेड बाई 3, तो कटिंग करेंगे बच्चों तो कितने में कट जाएगा? 3 5 15, और बचेगा कैरी बच्चों 2 बचेगा, तो 2 और 7 27, और 3 के 7 27 9 नंबर पर आएगा बच्चों, 59 डिग्री आएगा। एक्स का जो रिजल्ट आएगा बच्चों 59 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 27 का जो करेक्ट आंसर आ रहा बच्चों, एक्स का जो रिजल्ट पूछा हुआ था 59 डिग्री। अगर बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 को समझ में किसी भी प्रकार का डाउट हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 28 में बच्चों गिवन है, क्वेश्चन नंबर 28 में गिवन है इफ एक्स एंड वाई आर लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब होता है बच्चों एक स्ट्रेट लाइन होता है, एंड ट्वाइस ऑफ एक्स इज 30 डिग्री लेस देन वाई, तो बताना बच्चों वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई क्या होगा। लीनियर पेयर का मतलब होता है बच्चों एक सीधी रेखा, क्या होता है? सीधी रेखा। सीधी रेखा में जब भी एंगल होता है बच्चों एक पार्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे डी बनता है तो पार्टिकुलर पॉइंट के अंदर जितने सारे एंगल आता है सभी एंगल का जो जोड़ होता है कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो पहला जो इक्वेशन बनेगा बच्चों एक्स प्लस वाई इक्वल में 180, क्वेश्चन के अंदर भी बोला बच्चों लीनियर पेयर, तो रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर। हिंदी में बोलते हैं बच्चों रैखिक युग्म। क्या बोलते हैं हिंदी में? रैखिक युग्म। दूसरा जो कंडीशन जो दिया बच्चों ट्वाइस ऑफ एक्स दिया, क्या है? ट्वाइस ऑफ एक्स इज 30 डिग्री और 30 डिग्री लेस देन वाई। 30 डिग्री लेस मतलब कम होता है, बोलना है ट्वाइस ऑफ एक्स बच्चों, ट्वाइस ऑफ एक्स कर दिए, और 30 डिग्री लेस देन वाई, वाई से कितना कम है बच्चों? 30 डिग्री क्या है? कम है। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे रीअरेंज करेंगे, प्लस है तो क्या हो जाएगा बच्चों? इधर आकर माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो 2x माइनस वाई इक्वल माइनस का 30, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। इन दोनों को क्या करेंगे बच्चों? ऐड कर देंगे। पहला इक्वेशन क्या बच्चों? एक्स प्लस वाई इक्वल में 180 डिग्री है, और दूसरा जो इक्वेशन निकाले बच्चों 2x माइनस वाई इक्वल में माइनस का 30 डिग्री, पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ऐड करने से क्या, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो 2 में 1 को ऐड करेंगे तो 3x बेसिकली ऐड कर दी बच्चों इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को। यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। 180 में से 30 को माइनस करेंगे तो 150 डिग्री आएगा, तो यहाँ एक्स का रिजल्ट होगा 150/3, जब कैंसिल करेंगे तो रिजल्ट आएगा बच्चों 50 डिग्री। एक्स का जो रिजल्ट आ गया बच्चों 50 डिग्री। उसके बाद क्या करेंगे? एक्स का रिजल्ट किसी भी समीकरण में रख देंगे, तो लिखेंगे फर्स्ट में रख रहा है तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे है बच्चों एक्स प्लस वाई इक्वल में 180 है, और एक्स के जगह पे क्या यूज करना बच्चों? 50 यूज करेंगे, तो 50 प्लस वाई इक्वल में हो जाएगा 180, तो यहाँ वाई इक्वल में हो जाएगा 180 माइनस का 50, तो माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा बच्चों वाई इक्वल में हो जाएगा
30 डिग्री। तो यहाँ पे एक्स और वाई पूछा था बच्चों, तो एक्स का जो रिजल्ट निकाल लिए, एक्स का जो रिजल्ट निकल गया 50 डिग्री और वाई का जो रिजल्ट है बच्चों 130 डिग्री। अगर बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 को समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब हमने स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर बच्चों 29 में गिवन है वन ऑफ द एंगल ऑफ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है बच्चों, दो एंगल का जो सम होता है क्या होता है 180 होता है। तो फर्स्ट एंगल मान लेंगे बच्चों एक्स, मान लेंगे लिखेंगे लेट फर्स्ट एंगल इज एक्स। हिंदी में बोलेंगे बच्चों माना कि पहला जो कोण है क्या है एक्स है और जो सेकेंड एंगल बच्चों क्या मान लेते हैं वाई मान लेते हैं। सेकेंड जो एंगल है बच्चों इसको क्या मान लेते हैं वाई मान लेते हैं, और हिंदी वाले बच्चों के लिए दूसरा जो कोण हो जाएगा वह वाई हो जाएगा। और सप्लीमेंट्री का मतलब होता है बच्चों संपूरक कोण, हिंदी में क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल को इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं बच्चों संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होता है बच्चों, दो कोणों का जो एडिशन होता क्या होता है 180 होता है। तो एक्स प्लस वाई इक्वल में 180, जब भी बच्चों सप्लीमेंट्री एंगल रहेगा तो आपको समझना दो एंगल का जो सम होगा 180 होगा। आगे लिखा है इसमें एक एंगल दूसरे एंगल से कितना ज़्यादा बच्चों दो ज़्यादा, एक एंगल दूसरे एंगल से मान लो पहला एंगल एक्स है और दूसरा एंगल क्या है वाई, कितना ज़्यादा बच्चों दो ज़्यादा, तो यहाँ पे प्लस का दो कर देंगे। अगर मोर बोलेगा तो ऐड करेंगे, लेस बोलता तो बच्चों माइनस करते। इसको पहला इक्वेशन है प्लस है तो इधर आकर माइनस होगा, तो यहाँ पे एक्स और प्लस है तो इधर आकर माइनस होगा वाई इक्वल में 2। इस इक्वेशन के नेमिंग कर देते बच्चों दो कर देते हैं। अभी दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे बच्चों सॉल्व करेंगे। पहला इक्वेशन क्या है एक्स प्लस वाई इक्वल में 180 डिग्री है, दूसरा है एक्स माइनस वाई इक्वल में 2। पहला इक्वेशन है और दूसरा इक्वेशन है, डायरेक्ट क्या करना है आपको ऐड करना है। ऐड करने से बच्चों यहाँ पे माइनस का वाई यहाँ पे प्लस का वाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, ऐड करेंगे 1 कितना हो जाएगा 2x होगा, क्या हो जाएगा 2x होगा। उसी तरीके से इन दोनों को ऐड करेंगे, 180 में दो को ऐड करेंगे तो 182 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 182 हो जाएगा। उसके बाद दो यहाँ पे मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो दो से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 91 डिग्री है। एक्स का जो रिजल्ट आएगा बच्चों 91 डिग्री है। अब एक्स का रिजल्ट किसी एक में रखेंगे बच्चों तो हम फर्स्ट में रखते हैं, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, तो एक्स प्लस वाई इक्वल में क्या है 180 है और एक्स का रिजल्ट कितना निकाले बच्चों 91 निकाले, तो 91 पुट करेंगे प्लस वाई इक्वल में 180 हो जाएगा। प्लस वाई है इधर 91 प्लस में उधर जाकर माइनस 1 हो जाता है, 180 माइनस का 91, 10 में से गया तो 9 हो जाएगा, और उसके बाद एक कैरी लेंगे 17, 17 में से 9 आ गया तो बच्चों 81 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 81। जब 17 में से 9 को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो यहाँ से जो वाई का जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों 89 डिग्री आ रहा है, कितना रहा 89, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स का जो रिजल्ट आ गया बच्चों 91 डिग्री आ गया जबकि वाई का जो रिजल्ट आ गया बच्चों 89 डिग्री आ गया। अगर बच्चों समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 30 में बच्चों गिवन है, एक क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इंपॉर्टेंट मार्क करें। क्वेश्चन में गिवन है इन ए गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर टू स्ट्रेट लाइन, बच्चों फिगर गिवन है जिसमें ए बी और क्या है सी डी स्ट्रेट लाइन है, दिखा देते बच्चों ए बी यहाँ पे पहला स्ट्रेट लाइन है, दूसरा स्ट्रेट लाइन क्या है सी डी है, और आगे लिखा इंटरसेक्टिंग एट ओ, जो इंटरसेक्ट कर रहा बच्चों दोनों जो लाइन है इंटरसेक्ट किस पे कर रहा ओ पे कर रहा, ओ पी इज ए रे, ओ पी क्या बच्चों एक रे है, मेजर ऑफ क्या करना बच्चों ए ओ डी निकालना, पहले क्या निकालना ए ओ डी, तो रीड कर लेते कौन सा एंगल बच्चों ए ओ डी, ये एंगल क्या करना बच्चों फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। आगे लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आगे दूसरा पार्ट में क्या निकालना एक्स निकालना है। तो जब भी बच्चों आपको ध्यान रखना है कि एक सीधी लाइन होता है तो हमेशा क्या यूज करते हैं बच्चों स्ट्रेट लाइन यूज करते हैं, एंगल कौन सा निकालना ए ओ डी, तो यहाँ से एक बच्चों एक डी बन रहा है, क्या बन रहा है यहाँ पे डी बन रहा है स्ट्रेट लाइन बन रहा है। स्ट्रेट लाइन में कितने एंगल आ रहा है बच्चों दो एंगल आ रहा है, पहला एंगल आ रहा है ए ओ डी या दूसरा एंगल क्या आ रहा है बच्चों 40 डिग्री आ रहा है, कितना आ रहा 40 डिग्री, उसी कंसेप्ट को यूज करना आपको, बस ध्यान रखना किसी तरह का स्ट्रेट लाइन होता है स्ट्रेट लाइन में पार्टिकुलर पॉइंट पे बच्चों जो एंगल मेजर करते हैं तो टोटल जो एंगल का जो सम होता है 180 होता है। तो यहाँ पे पहला एंगल बच्चों ए ओ डी, कौन सा स्ट्रेट लाइन यूज करें बच्चों ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन, कौन सा स्ट्रेट लाइन यूज करें ए बी वाले को यूज करें, तो लिखेंगे ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन, हिंदी बोलेंगे बच्चों ए बी का एक सीधी लाइन है। इसमें कौन कौन सा एंगल है बच्चों, पहला एंगल ए ओ डी और दूसरा एंगल क्या है इसमें 40 है, इक्वल में हो जाएगा 180 डिग्री, और रीजन लिख देंगे बच्चों लीनियर पेयर, क्या लिखेंगे लीनियर पेयर, और 40 प्लस में तो उधर जाकर तो माइनस होता है, ए ओ डी इक्वल में हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का
40, तो इक्वल हो जाएगा 140 डिग्री। तो पहला पार्ट निकल गया बच्चों, AOD पूछा था जो कि रिजल्ट आ गया बच्चों 140 डिग्री। दूसरे पार्ट में बच्चों पूछा हुआ एक्स का रिजल्ट पूछा हुआ, तो एक्स का रिजल्ट के लिए बच्चों इस स्ट्रेट लाइन का यूज कर लेते हैं। ये भी क्या है कि स्ट्रेट लाइन बन रहा है, CD वाले भी क्या बन रहा है बच्चों कि स्ट्रेट लाइन बन रहा है। आप ध्यान से खाली देखिए, CD जो लाइन है इसमें भी क्या है पार्टिकुलर पॉइंट पे बच्चों D बन रहा, लेकिन इसमें कितने एंगल है, एक एंगल, दो एंगल और तीन एंगल। आप ध्यान समझे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है पार्टिकुलर पॉइंट है बच्चों, इसमें तीन एंगल, पहला एंगल, दूसरा एंगल और तीसरा एंगल। लेकिन इसमें जो स्ट्रेट लाइन यूज करेंगे बच्चों CD स्ट्रेट लाइन, देखिए CD स्ट्रेट लाइन और हिंदी में बोलेगा बच्चों एक सीधी रेखा। इसमें कितने एंगल है बच्चों, CD वाले में जो एंगल बन रहा वो तीन एंगल बन रहा, पहला एंगल 40 है, दूसरा x+5 है, तीसरा क्या 3x+7 है। तो पहला एंगल बच्चों 40 डिग्री है, दूसरा क्या है x+5 है और तीसरा एंगल है 3x+7 है, इक्वल में 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे बच्चों लीनियर पेयर, क्या लिखेंगे लीनियर पेयर, और बस सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करके क्या करना बच्चों एक्स का रिजल्ट क्या करना फाइंड करना है। तो नंबर क्या है 40 और 5 45, 45 में 7 को जोड़ेंगे तो 52 आएगा, कितना आएगा बच्चों 52 आएगा, और x कितना है 3 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे, तो टोटल x कितना बच्चों 4 बार है, इक्वल में हो जाएगा 180 डिग्री, और 52 प्लस में तो उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस होगा, तो लिखेंगे 4x इक्वल में 180 डिग्री माइनस का 52 डिग्री। तो 4x जब माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा बच्चों, जीरो में से दो नहीं जाएगा तो कैरी लेंगे, तो कैरी लेंगे 17 हो जाएगा, जीरो यहाँ 10 में से दो गया तो 8 हो जाएगा, और 17 में से 5 गया तो बच्चों 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो माइनस करने का जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों 128 आ रहा है, एक्स का जो रिजल्ट होगा 128 डिवाइडेड बाई 4, तो कटिंग करेंगे तो रिजल्ट आएगा बच्चों 32 डिग्री, कितना आएगा 32 डिग्री। तो यहाँ से जो एक्स का जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों 32 डिग्री आ रहा है, कितना 32 डिग्री। अगर बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 को समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ये क्वेश्चन बच्चों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बचे हुए क्वेश्चन को बच्चों नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें, आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। थैंक